जी नमस्कार। एक बार फिर से हमारे चैनल रमन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग रेफ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करें। रेफ की मात्रा इस तरह से होती है, जिसे आधा रा भी कहते हैं, और ये हमेशा अक्षर के ऊपर लिखी जाती है। इस तरह से किसी भी अक्षर के ऊपर लिखी जाती है, और उस अक्षर में यदि कोई मात्रा लिखी है तो मात्रा के साथ में इसे लिख दिया जाता है इस तरह से। और यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा निर्जीव, तो जा में बड़ी की मात्रा लिखी है, उसके साथ ही लिख दी गई। यहाँ पर पार्टी, तो टा में बड़ी की मात्रा लिखी गई और उसके बाद में साथ में ये लिख दी गई। इस तरह से मात्रा के साथ में इसे लिखते हैं और इसके साथ ही उसका उच्चारण करते हैं। अभी हम पढ़ के आपको बताएंगे कि किस तरह से इसका उच्चारण किया जाता है। और एक बात और है कि जिस अक्षर में ये लिखी जाती है उससे ठीक पहले पढ़ी जाती है। जैसे कि हम पढ़ते हैं अर्क, तो अर्क में आपने देखा कि हमने पढ़ा अर्क, ठीक है, क से पहले पढ़ा गया और लिखा गया इसके ऊपर अर्क। ऐसे ही तर्क, पार्क, सुर्ख, दुर्ग, मार्ग। आपने ध्यान दिया होगा कि जिस अक्षर के ऊपर ये मात्रा लिखी हुई है, रेफ की मात्रा, उससे ठीक पहले ये पढ़ी जाती है, लेकिन बहुत आधे रूप में, यानी कि कम देर तक के लिए। जैसे कि हम ऐसा नहीं पढ़ सकते हैं, जैसे कि वर्ग लिखा है तो हम बर्ग नहीं पढ़ सकते हैं। बर्ग, जैसे कि बरग, बर्ग पढ़ेंगे तो रा पूरा उच्चारण होगा, तो इसलिए रा को कम देर के लिए उच्चारण करते हैं वर्ग, यानी कि आधा रा उच्चारण करते हैं वर्ग, ठीक है। भार्गव, अर्घ, दीर्घ, इसका उच्चारण कुछ कुछ र इस तरह से होता है, ठीक है, र इस तरह से। दीर्घ कालीन, खर्च, चर्चित, टॉर्च, परिचर्चा, मूर्छित, गर्जना, चार्जर, ज्ञानार्जन, दर्जा। इस वीडियो में हमने कुछ कठिन से शब्द शामिल किए हैं, क्योंकि सरल से शब्द तो हम बहुत दिन से पढ़ते हुए आए हैं और उन शब्दों को हम सीख भी चुके हैं हम लोग। तो इस वीडियो में हमने कुछ कठिन शब्द शामिल किए हैं, तो आप ध्यान से पढ़िए और पढ़ने का अभ्यास कीजिए हमारे साथ साथ। धनार्जन, निर्जीव, देखिए यहाँ पर बड़ी की मात्रा लिखी है और साथ में रेफ की मात्रा भी लिखी है, तो दोनों का उच्चारण किया जाएगा। निर, यहाँ पर र इस तरह से, और जीव, निर्जीव। पुर्जा, अर्जुन, यहाँ पे भूल गए हम लगाना, अर्जुन, ठीक है। निर्झर, कोर्ट, पार्टी, कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कार्यालय, कीर्तिमान, कार्ड, बोर्ड, गार्डन, ऑर्डर, बॉर्डर, उत्तीर्ण, निर्णय, परिपूर्ण, वर्तन, न्यायमूर्ति, परिवर्तन, तटवर्ती, प्रार्थना, पदार्थ, परीक्षार्थी, पार्थ, पार्थ, अर्धवार्षिक, अर्धेंदु, हॉर्न, कर्नल, अर्पित, समर्पित, बर्फ, उर्फ, शरबत, विद्यार्थी, कुशलतापूर्वक, कुर्सी, कोर्स। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने रेफ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा, एक बार फिर से आपको बता दें ताकि आपको याद रहे कि रेफ की मात्रा हमेशा अक्षर के ऊपर लिखी जाती है, और यदि उस अक्षर में कोई मात्रा लिखी है, कोई पाई लिखी है, तो उसके साथ भी इसे लिख सकते हैं इस तरह से, और जिस अक्षर में लिखी जाती है उससे ठीक पहले पढ़ी जाती है, लेकिन आधे रूप में, पूरे रूप में नहीं पढ़ेंगे, आधे रूप में, तर्क, पार्क, इस तरह से पहले पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आप रेफ की मात्रा के बारे में ठीक से समझ गए होंगे।